ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, है ना। हम लोग गूगल मीट में मिल चुके हैं, लेकिन हमारी जो है वो सेकेंड सेट की जो है वो स्टडी आज से शुरू हो रही है। ओके सब लोगों ने एंजॉय किया होगा दीपावली में, बराबर है, और सब लोगों को घूमना फिरना सब अच्छे से किया होगा, ठीक है ना। अब तो आप लोगों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, हम लोग बहुत जल्दी स्कूल में मिलेंगे, ठीक है ना। और सबको स्कूल आना है ना, बराबर है। हमने भगवान से प्रेयर करी थी ना कि भाई हमको सेकंड सेम में स्कूल जाने को मिले, कोरोना बहुत जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी, ठीक है, तो हम लोग जो है बहुत जल्दी अब क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब तक आपका स्कूल शुरू हो रहा है तब तक आपको जो है ये गूगल मीट और वीडियो चालू रहेगा, ठीक है। तो हमारा सेकेंड सेम जो है हिंदी का शुरू होता है चैप्टर नंबर 9 से, ओके। तो चैप्टर नंबर 9 आपका है कैसा शोर, ठीक है। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, रीडिंग भी आएगी आपको। रीडिंग इज मस्ट, है ना, रीडिंग जो है बहुत जरूरी है। रीडिंग अगर आपको फर्स्ट सेम में भी मैंने कहा था कि रीडिंग अगर आपको नहीं आएगी तो आपको पढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे आगे बढ़ेगी आपको रीडिंग बिल्कुल प्रॉपरली बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे लिखते जाओ, उंगली रख के और समझते जाओ, ठीक है। अब देखो ये हमारा चैप्टर है, जैसे हम लोग जो है अपने घर में आपने देखा हो मम्मी जो है रोज बहुत सारी अलग अलग टाइप की सब्जियां आपके लिए बनाती है, बराबर है। तो आपको पता है ये सब सब्जियां कहाँ से आती हैं, ये सब सब्जियां हैं फ्रूट्स हैं, है ना, ये सब हमारे कहाँ से आते हैं, हम लोग मार्केट से ले आते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सब कौन उगाता है, किसान उगाता है अपने खेत में, ठीक है। ये तो सबको पता है कि फार्म होता है और उसमें जो है साग भाजी लगाते हैं, फ्रूट्स के ट्रीज लगाते हैं, है ना। तो किसान जो है ये सब चीजें बेचता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक किसान के बारे में इसमें आपको दिया हुआ है जिनका नाम है बिरजू चाचा, है ना। उनके पास खेत थे बहुत सारे, तो उन्होंने उसमें बहुत सारी सब्जियां, देखो सारी सब्जियां जो है आप लोग मम्मी आपकी बनाती है आप लोग खाते हो, लेकिन आपके इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी सब्जियां पसंद नहीं होती हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सारी सब्जियां हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग तरीके के विटामिन जो है प्रोटीन विटामिन सब जो है उसके अंदर हमको मिलते हैं फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में, तो जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जिसकी कमी से हमको जो है बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और बहुत सारी सब्जियां हमारी ऐसी हैं जो कि मेडिसिन का काम करती है, है ना। कोई भी हमको बीमारी हुई है तो उसमें हम अगर वो वाली सब्जी ज्यादा खाते हैं तो हमको आयरन मिलता है, बराबर है। करेले वगैरह खाते हैं तो उसमें भी हमको बीमारियों में बुखार वगैरह हमारा कम होता है। तो ऐसे बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनसे कि जिनको सूखा कर जो है बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं, बराबर। तो क्यों ना हम लोग फ्रेश सब्जियां खाकर वो सारे विटामिन लें, बराबर। ये खास इसके अंदर बताया है कि सारी सब्जियां जो है जितनी भी सब्जियां आप देखते हो कि आलू मटर टमाटर, आप लोगों को गुजराती में आता है ना, सब हिंदी में नाम आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। आलू मटर टमाटर बैंगन गोभी, है ना, पत्ता गोभी, तो ये जितनी भी हैं लीफी वेजिटेबल भी आपको पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसे हरी भाजी आती है मेथी की पालक की, ये सब हमारे लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है खाना, क्योंकि इससे हमारे शरीर को बहुत जो है वो लाभ मिलता है, आया समझ में। तो ये तीन तरह से अलग अलग सब्जियां लगती हैं, आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक तो होती है अंडर द ग्राउंड जिसको आप बोलते हो, ये से पड़ा होगा जो कि जमीन के अंदर लगती है, जो आपके लहसुन में है जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां जो है वो, जैसे शकरकंद है आलू है प्याज है ना, ये सब जमीन के अंदर लगते हैं, सूरन है आपका, तो ये सब जमीन के अंदर उगती है। दूसरी सब्जियां होती हैं क्रीपर्स पर लगती हैं जिनको आप वेल बोलते हो, जैसे वालोर वगैरह हम लोग लाते हैं ना, वालोर मटर काकड़ी, है ना, ये सब हिंदी में बोलती हूँ मैं, ककड़ी है ना, मटर सेम, है ना, ये बीन्स जितनी भी होती है वो सब जो है बेलों पर लगती है, बेल पर, ठीक है। और दूसरी वाली जो सब्जियां हैं पौधे पे होती है, कुछ सब्जियां जो है वो पौधे पे लगती है ऑन द प्लांट, ठीक है, तो पौधे पर लगती है, जैसे गवारफली की सब्जी होती है, भिंडी है, ठीक है ना। तो ये सारी सब्जियां जो है पौधे पर लगती है, है ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं। और भाजी जो है आपने देखा होगा मेथी वगैरह सब जो है वो सब ऊपर ही लगती है, उसके बड़े प्लांट नहीं होते, छोटे छोटे प्लांट नहीं होते, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उगती है और लग जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं आपकी बुक में दी हुई है कि जो कि जमीन के अंदर लगती है
पौधों पे लगती हैं और क्रीपर्स पर लगती हैं, वेलों पे लगती हैं, तो सबको अलग अलग नाम हमको ये करना है। और घर पे भी आप लोगों को जो है ये जो भी सब्जी पापा लाते हैं मम्मी लाते हैं आपको पूछना है कि ये सब्जी कैसी उगती है, कहाँ उगती है, ये सब जानकारी हमको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया कि मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती मुझे नहीं खाना, ऐसा सब नहीं करना बराबर ना, क्योंकि सारी चीजें जो है सारी सब्जियां हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके माध्यम से ही आपको ये चैप्टर बताया है। अच्छा, बहुत सी सब्जियां देखो आपने देखा होगा कि रीगण और बटाने की सब्जी मम्मी बनाती है, आलू और बैंगन की सब्जी। तो आलू में जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है और बैंगन में होता है जो विटामिन्स होते होंगे, वो दोनों हमको एक साथ मिलते हैं। दूसरा, तेल हम लोग डालते हैं फिर उसके अंदर मसाले डालते हैं, मसाले भी बहुत सब हमारे बॉडी के लिए जो है लाभदायक होते हैं, जिससे हमारी सब्जी जो है बहुत ज्यादा, हरी मिर्च डालते हैं तो हमारी सब्जी जो है स्पाइसी बनती है ना, लेकिन हमारे शरीर को भी लाभ करती है वो। तो सारी सब्जियां जो है हमारे लिए अच्छा। उसके अलावा सब लोग बोलते हैं कि सलाद खाओ थोड़ा, तो सलाद आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग जब भी जो है खाना खाते हैं, जब हम लोग सलाद रखते हैं, ककड़ी टमाटर या कचूंबर बनता है ना, वो भी बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए, क्योंकि कच्ची सब्जियां जो भी हम खाते हैं वो बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि पकाने के बाद थोड़े बहुत प्रोटीन वगैरह तो खत्म हो जाता है उसमें से, लेकिन फिर भी जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है सारी सब्जियां। ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको पता रियलाइज हो जाएगा कि हमको सारी सब्जियां खाना चाहिए। आ गया समझ में? अब इसमें देखो, ये बिरजू चाचा मैंने बताया था, उनका खेत था उसमें उन्होंने सब्जियां लगाई थी। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी, दोपहर का समय था। बिरजू चाचा, अब देखो चित्र बना है, पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। देखो दोपहर में वो थोड़ा आराम करने लगते हैं, सब्जियां लगी हुई हैं। अब सारी सब्जियां जो खेत की हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने पौधों में से उतर के आ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती। देखो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक पाठ के माध्यम से आपको बताया है कि सारी सब्जियां आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कोई सब्जी अपने पेड़ में से अलग अलग नहीं उतरती जब तक हम तोड़ते नहीं है, लेकिन आपको ये पाठ के माध्यम से बताया है। तो सारी सब्जियां जो है अपने अपने पौधों पे से उतर के, वेग पर से उतर के जो है एक जगह इकट्ठी हो जाती है और खेलने लगती है, है ना, क्योंकि वो देख लेते हैं हमारे मालिक तो सो गए हैं, है ना। तो खेलते खेलते जो क्या होता है, हल्का फुल्का झगड़ा होने लगता है उसमें उनमें। ठीक है, कैसे, आलू ने कहा, अब उसमें से जो आलू था वो क्या बोलता है, मैं सब्जियों में सरताज हूं, है ना, मैं सब्जियों में सबसे बड़ा हूं, मेरे बिना सब्जियां सब अधूरी होती हैं। जैसे हम हर सब्जी में आलू डाल के बनाते हैं, है ना, इसलिए उसको जो है सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, सरताज। सरताज मतलब जैसे मुकुट होता है ना राजा के सिर पर, सिर का सरताज कहलाता है वो, ऐसे आलू को जो है सब्जियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूं, अब उससे क्या क्या बनता है, भाना मतलब क्या होता है, अच्छा लगना। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती हैं, है ना, आलू से हम लोग ये सब चीजें बनाते हैं ना, आप लोग ही खाते हो। ठीक है, शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूं, शक्करिया जो आप लोग बोलते भी जाते हैं, फिर लोग मुझे भी पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछल कर बाहर आ गए, वटाना जिसको बोलते हो, मटर उसको बोलते हैं हिंदी में, और कहने लगे हमको भूल गए, क्योंकि मटर का सीजन आता है जब, तो हम लोग ऐसे कच्चा कच्ची मटर को हर हर एक सब्जी में डालते हैं, सब सब सब्जियों में डाल सकते हैं उसको, और उसका पुलाव भी बनाते हैं, है ना, बटाका पुआ बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपको सब हमको भूल गए, उसकी कचौरी बनाते हैं। ठीक है, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है, है ना। उसी समय ककड़ी और गाजर भी कूद पड़े, ठीक है, लौकी और गाजर भी कूद पड़े। रायता, कोफ्ता और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है, लौकी का रायता बनता है, फिर कोफ्ते बनाते हैं लौकी के, दूधी के, है ना, और जैसे आप लोग मुठिया वगैरह खाते हो वो सब भी बनता है, और हलवा, गाजर का हलवा बनता है, लौकी का भी हलवा बनता है। ठीक है, लौकी बोलती है, गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है ना, मेरा रंगरूप देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। गाजर कैसी होती है, लाल रंग की होती है। ठीक है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, उससे विटामिन ए मिलता है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जैसे गाजर का जूस निकाल के भी पीते हैं ना लोग ऐसे। यह सुनकर पत्ता गोभी आगे आई, है ना, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूं, सब्जी के अलावा कचूंबर और सलाद में मेरा स्थान है। कचूंबर बनता है पत्ता गोभी से, कोबीज बोलते हो जिसको आप लोग, और सलाद भी बनता है। ठीक है, मिर्ची पीछे क्यों रहती है, हरी मिर्च लगी हुई थी, हरी मिर्च भी आ गई थी वहां पर, तो वो बोलती है कि क्या कहती है, सब चुप हो जाओ। ठीक है,
मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है, जब तक हम मिर्ची सब्जी में नहीं डालेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है ना। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं, तो हमको बिल्कुल एकदम बिल्कुल फीकी फीकी सब्जी लगेगी अगर मिर्ची नहीं डलती है तो, ठीक है ना। उसी से हमारा टेस्ट आता है। मैं पतली और चुस्त हूँ, पतली पतली होती है मिर्ची। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब सब लोग अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे सारी सब्जियां, इतने में करेला जो होता है वो क्या बोलता है, करेला कैसे चुप बैठता है। वो बोलने ही जा रहा था तो उसे टमाटर ने बीच में टोक दिया, है ना। वो टमाटर बीच में बोलने लगता है, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, टमाटर बोलता है करेले से। क्यों, आप लोग भी तो भागते हो ना दूर, सबको करेले की सब्जी बच्चों को कड़वी लगती है, है ना। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है, टमाटर सबको बहुत प्रिय होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। यह सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं, है ना। बहुत सारी बीमारियों में करेला खाया जाता है ना, बुखार आता है जब। आखिर में क्या हुआ, सब सब्जियां लड़ने लगी थी तो इतने में बैंगन आता है वहां पर और बोलता है, सबको चुप कर देता है शांत करके, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी और सही हैं, क्योंकि सबके अंदर विटामिन और कार्बोहाइड्रेट सब में होता है, ठीक है ना। मिलजुल कर रहने में हमारी भलाई है। फिर यहाँ पे देखो, बीट है, गाजर, फिर पत्ता गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर कचुम्बर बनाया जाता है, आपके घर में मम्मी बनाती होगी ना। फिर आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से मन भावन सब्जी बनती है। सब सब्जियां सबको बहुत प्रिय होती हैं, ठीक है। मिर्ची, धनिया और अदरक, ये तीन चीजें जो है इसका पेस्ट बना के मम्मी सब में डालती है ना, तो जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। ये कच्चे होते हैं वो भी हम लोग डालते हैं, और फिर सूख जाते हैं तो हम लोग ऐसे भी डालते हैं सूखा मसाला, ठीक है। इस तरह हम घुल मिलकर एक और मजेदार हो जाते हैं, सारे मसाले मिल जाते हैं, सारी सब्जी जो भी सब्जियां बनाते हैं उसमें सब सब्जी मसाले मिल जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इतने में बिरजू चाचा जाग गए। अब ये लोग सब बातें कर रहे थे, बैंगन समझा रहा था, तो बिरजू चाचा की नींद खुल जाती है ना। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगती हैं, वो डर जाते हैं कि अब हमको ये कुछ ना कुछ बोलेंगे, है ना। लौकी, करेला और ककड़ी जो है बेल पे लगते हैं, इसलिए बेलों में जाके लग जाते हैं। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर चले जाते हैं। भिंडी, बैंगन, मटर, टमाटर पौधे की डाली के बीच में छुप जाते हैं, ठीक है। तो बिरजू चाचा को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ था, बराबर है। तो बिरजू चाचा जो है फिर से अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि वो किसान होते हैं ना, किसान तो हमेशा खेती करते हैं, हमेशा खेत की देखभाल करते हैं, ठीक है ना। आ गया समझ में, चैप्टर समझ में आया सबको, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हैं, आज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में ग्रामर है, तो वो मैं आपको ग्रामर समझाऊंगी, और जो भी आपको पीडीएफ आएगी वो आपको उस तरह से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो